कहते हैं कि शांत समुंदर को देखकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं है। वो जिस दिन भी उठेगा तूफान बनकर उठेगा, शायद उसने अभी तक उठने की ठानी नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन उस मैच में। उस दिन एक सोए हुए शेर को जगाया गया था, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा किसी ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टार अर्जुन के स्पेशल एपिसोड, कहानी विराट कोहली के बदले की। ये कहानी है उस रिवेंज की जो लाखों क्रिकेट फैंस के दिलों में धड़कता है। ये कहानी है उस बदलाव की जो तूफान के आने के बाद आता है। ये कहानी है उस दर्द की जिसमें दर्द तो होता है लेकिन उसका कोई मरहम नहीं होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस हिस्टोरिकल रिवेंज को। 6 दिसंबर 2019 जगह हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2020। आज से ठीक 2 साल पहले साल 2017 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का वो मैच जिसमें कैसरिक विलियम्स ने विराट कोहली को आउट करके कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया था। लोगों का दिल दहल जाता है इस खिलाड़ी से पंगा लेने में। ये बंदा तो विराट कोहली के सामने ही खड़े होकर विराट का रसीद काट रहा था। इसका अंजाम क्या होने वाला था इसकी गवाही तो सिर्फ वक्त ही दे सकता था और कोई नहीं, क्योंकि ये बंदा विराट कोहली के निगाहों में चढ़ चुका था। और जब विराट फॉर्म में हो तो बॉलर कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता है, अंजाम वही होता है जो विराट चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है द रिवेंज स्टोरी। उस सेलिब्रेशन के बाद विराट पूरी तरह नाखुश थे क्योंकि बीच ग्राउंड में ही विराट कोहली का अपमान हुआ था। एक ऐसे प्लेयर का अपमान हुआ था जो क्रिकेट का किंग कहलाता है, और किंग का अपमान किंग के ग्राउंड में ही हो ये किंग बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन इसकी भनक ना तो वेस्टइंडीज को थी और ना ही विलियम्स को थी। ठीक 2 साल बाद वक्त का पहिया घुमा, फिर वही विराट, फिर वही विलियम्स आमने सामने थे। इस बार तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक ना तो विलियम्स को थी और ना ही इस दुनिया को थी, क्योंकि किसको पता था 2 साल पहले घटी वो घटना विराट के जहन में आज भी जिंदा है। 2 साल पहले का वो अपमान विराट कोहली के दिल में कितना चुभ रहा था शायद इसका अंदाजा भी किसी को नहीं था, क्योंकि आने वाला वक्त में क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग करने का आमंत्रण दिया। वेस्टइंडीज ने भी इस आमंत्रण का भरपूर लाभ उठाया क्योंकि वेस्टइंडीज की ओपनिंग से लेकर पोलार्ड की फिनिशिंग तक सब कुछ बेहतरीन थी, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं था। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 207 रन जड़ दिए और भारत को जीतने के लिए 120 गेंदों में 208 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। ये मैच दो देशों के बीच कम बल्कि दो खिलाड़ियों के बीच ज्यादा चल रहा था। 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, क्योंकि भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा 30 रन के स्कोर पर ही चल पड़े। और अब मैदान में आता है वो इंसान जिसे इस मौके का 2 सालों से इंतजार था, जिसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था, जिसका दिल आज भी खोल रहा था क्योंकि वो जख्म उसके जहन में आज भी जिंदा था। लेकिन विलियम्स को ये कहां पता था कि वो अपने उस गलती का कितना बड़ा सजा भुगतने वाला है। उस बंदे ने फिर से एक नीच हरकत करी। बात है 13वें ओवर की, जब विलियम्स ने विराट कोहली को फिर से एक बार धक्का मारा। लेकिन इस बार कहानी वो नहीं होने वाली थी जो लास्ट टाइम हुई थी। इस बार का अंजाम कुछ और होने वाला था। इस बार तो इतिहास लिखा जाने वाला था। इस धक्के के बाद विराट कोहली ने विलियम्स की वो पिटाई की कि वेस्टइंडीज 207 रन बनाने के बाद भी भारत से हार जाता है। उस मैच में विराट कोहली ने नॉट आउट 95 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। एक ऐसी पारी खेली थी जो विलियम्स के पूरे करियर को खत्म कर दिया था। एक ऐसी धाकर पारी खेली थी जिसके बाद आज तक वेस्टइंडीज टीम में विलियम्स की वापसी भी नहीं हो पाई, क्योंकि उस मैच के दौरान विराट ने भी वही सेलिब्रेशन किया था जो सेन विलियम्स ने किया था, और विराट ने भी उसकी रसीद काटी थी। उसको अब तक ये समझ में आ चुका था कि एक सोए हुए शेर को जगाने का अंजाम क्या होता है, और कहा यह जाता है कि वो बंदा उस घटना से इतना स्तब्ध हो जाता है कि अपने उस सेलिब्रेशन को भी भूल जाता है जो पहले वो किया करते थे, क्योंकि पहले वो जिस भी खिलाड़ी को आउट करते थे उसका रसीद काटते थे। लेकिन जब विराट कोहली ने उसका रसीद काटा तो ये बंदा आज तक ना तो वेस्टइंडीज टीम में वापसी कर पाया और ना ही कोई इंटरनेशनल मैच खेल पाया। वैसे दोस्तों, विराट कोहली भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिता पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। और आपको यदि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तब तक आप हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।